जिस चीज का अभाव है आपके जीवन में, अगर ईश्वर आपको वो नहीं दे रहा है तो आप उस चीज के पीछे ही भागेंगे, चाहे वो व्यक्ति आपको वो चीज दे रहा होगा, आप व्यक्ति को गुरु मान लेंगे। इसीलिए लोग गुरुओं के पीछे भागते हैं, लोगों को लगता है कि ईश्वर तो दे नहीं रहा, गुरु दे देगा, क्योंकि गुरु ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर अगर आपके दुख कम नहीं कर रहा है, जो आप मांग रहे हो वो नहीं दे रहा है, तो आप देख लेना आपका विश्वास उसके प्रति हमेशा कम ही होता रहेगा। आप कितनी भी बड़ी कथाएं सुन लें, आप देखें सुदामा ने श्री कृष्ण को तार दिया, श्री राम ने केवट को तार दिया, वो सारी काल्पनिक कथाएं लगेंगी आपको। जब तक ईश्वर आपको वो ना दे दे तब जो आप मांग रहे हैं आप, और जैसे ही ईश्वर ने वो आपको दे दिया जो आपने मांगा है, आपका प्रेम उसके प्रति बढ़ने लगेगा। इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण आप देखें, बड़े मंदिरों में जब अभिनेता राजनेता आते हैं तो बड़े मंदिर के मुख्य प्रांगण जो सेवा कर रहे होते हैं ईश्वर की, वो ईश्वर की सेवा छोड़ करके उनकी सेवा में लग जाते हैं 10-15 मिनट के लिए। उनको माला पहनाएंगे, उनको बताएंगे, उनका आदर सत्कार करेंगे, आप आइए, ईश्वर ने आपको अपनी सेवा दे दी है, अखिल ब्रह्मांड नायक जगतपति श्री कृष्ण ने आपको अपनी सेवा दे दी है, और ईश्वर की सेवा छोड़ करके आप अभिनेता की सेवाओं में लग जा रहे हैं, तो सोचिए प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आप भक्त हैं या नहीं। क्योंकि ईश्वर से उस व्यक्ति ने धन मांगा होगा या कुछ भी मांगा होगा, पर ईश्वर दे नहीं रहे तो वो व्यक्ति में देख रहा है। क्योंकि ईश्वर अगर अमीर बना रहे होते, ईश्वर अगर धन दे रहे होते, तो मंदिर के पंडित पुजारी यजमान और जो बड़े बड़े वो है मंदिर के महाराज, वो आपसे दान क्यों मांग रहे होते फिर? तो जिस चीज का अभाव है व्यक्ति उसी के पीछे भागेगा, और अभाव अगर किसी व्यक्ति ने खत्म कर दिया तो व्यक्ति को वो ईश्वर मान लेगा। अगर उस मिट्टी की मूर्ति ने खत्म कर दिया तो वो उस मिट्टी की मूर्ति को ईश्वर मानने लगेगा साहब। अगर अभाव खत्म नहीं हो रहा ईश्वर के द्वारा व्यक्ति का, तो फिर वो कहानी लगेगी व्यक्ति को।